नमस्कार, वैश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बीते दिन राजधानी पटना सहित कई अन्य जिलों में जोरदार बारिश हुई, वहीं अभी भी बिहार वासियों को फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मॉनसून की सक्रियता की वजह से राज्य भर में लगातार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 15 अगस्त तक राज्य भर में बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई जिले में इन दिनों गरज के साथ भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश कर रही है, जिसके कारण शेखपुरा में तेज हवा के साथ वज्रपात होने की भी आसार है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में ट्रफ रेखा गुजरने के साथ ही साइक्लोन सर्कल का क्षेत्र बनने के साथ ही नमी भी आ रही है, जिससे बिहार के सभी जिले में हल्की से तेज बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में वज्रपात की भी संभावना है। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में 13, 14 और 15 अगस्त को इन जिलों के कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 13, 14 और 15 अगस्त को जिले के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में अगले 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगहों पर अगले 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले में अगले 3 दिन 13, 11 और 12 अगस्त को कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो यहां भी अगले 3 दिन 13, 14 और 15 अगस्त को इन जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित इसके सटे इलाके के एक दो जगहों पर बारिश की संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम को लेकर यह जानकारी महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।